गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एड्स। हम देखते हैं एड्स के बारे में कैसे। देखो, एड्स क्या होता है कि ये एक ऐसा ये कॉन्जेटाइनल डिजीज नहीं है, ये रेट्रो वायरस है। सबसे पहले हमको बात करनी है कि ये कौन से वायरस हैं। तो ये रेट्रो वायरस होते हैं। इस तरह के वायरस के पास एक ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है, यानी प्रोटीन की कोटिंग होती है, या इनवेलप कह सकते हो आप। इनके पास इनवेलप होता है और इनके पास फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का भी इनवेलप होता है, जिसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्टिंग होती हैं, जैसे GP1 ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं 120, और ग्लाइकोप्रोटीन पेडिसल होते हैं जैसे 41। इसी तरह से इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होते हैं इनके पास। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है, इनके पास P32 इंटरगेज भी होते हैं। इनके पास एक उनके यानी आरएनए जीनोम के ऊपर एक कोटिंग होती है प्रोटीन की। तो ये सब चीज़ें इनको देख करके, इनके वायरस को देख करके ही लगता है कि ये काफ़ी वायरस की जो इनकी लेवल है, ये जिस तरह से इनकी बनावट है, कंसिस्टिंग है, उस हिसाब से ये एक इनवेलप रखते हैं। तो इसीलिए ये रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो जो वायरस होते हैं कैसे वर्क करते हैं, कैसे इंटर करते हैं, सेल को कैसे इन्वेड करते हैं, इन सब के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहले हम एड्स के बारे में देखें। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स को कॉज करने के लिए कौन सा पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे HIV है, फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ किया गया था, USA में किया गया था, कब किया गया था, और उसके बाद आज तक कितने लोग बीमार हुए हैं, एक ओवरऑल हम देखेंगे। तो अभी NCERT के अकॉर्डिंग हम बात करें एड्स की। तो एड्स, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो ये है क्या, ये डिफिशियंसी है किसकी, इम्यून सिस्टम की। तो सबसे पहले ही लिखते हैं किसकी प्रॉब्लम है, किसकी कमी है, इम्यून सिस्टम की। तो लिखेंगे डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कैसा है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ये क्या करता है, एक्वायर्ड है। तो ये एक्वायर्ड होता है डिफिशियंसी, ठीक है, एक्वायर्ड, हम एक्वायर्ड करते हैं, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, हम इसको प्राप्त करते हैं लाइफ, जब हम जी रहे होते हैं, लाइफ स्टाइल में रहते हैं, तब ये पैथोजन्स आउटसाइड से हमारे बॉडी के अंदर कॉज करता है। ओके, इट इज नॉट कंजेनाइटल, इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। जो एड्स है का वायरस कौन सा है, तो HIV का वायरस ही एड्स होता है। HIV ही एड्स को कॉज किया हुआ है। तो इसका मतलब एड्स जो है, एड्स is caused by human immunodeficiency virus, या human immunodeficiency virus। ठीक है, human immunodeficiency virus। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट्स। तो देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ICVN इसका नाम दिया गया था, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, एक कमेटी होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू ICVN नेम गिवन इन 1986 में, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है इसका नाम, यानी अकॉर्डिंग टू ICVN नेम गिवन इन 1986 इज HIV, ह्यूमन HIV। हम बात करेंगे नेक्स्ट
पहली बार एड्स को रिपोर्ट कहां किया गया था, देखा कहां गया था? तो एड्स रिपोर्टेड यानी एचआईवी की वजह से, एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है, याद रखना। तो एड्स जो वायरस, एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए, कहां पे? यूएसए। इन कब? इन 1981 में, होमोसेक्सुअल में देखा गया था, ये की वजह से, होमोसेक्सुअल की वजह से देखा गया था। तो फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए इन 1981। उसके बाद धीरे धीरे इतना फैला ये एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन, कितना? मोर देन 25 million people। और इंडिया में 1986 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था, 1981 में ये पहली बार देखा गया यूएसए में। तो यह यूएसए में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था एड्स को, उसके बाद से इंडिया में 1986 में देखा गया था। तो हम बात करेंगे इसके वायरस के बारे में, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम वो देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो पहले तो हमने क्या क्या देखा है, ये हम इसको भी रिवाइज एक बार रिपीट करेंगे। अभी आप देखो स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके ऊपर इस तरह से इनवलप होगा, काफी बड़ा हो रहा है, आप देख पाएंगे ये एक लिपिड बाईलेयर है। क्या है? लिपिड बाईलेयर, एक नहीं, इसमें दो लेयर होते हैं लिपिड के, लिपिड बाईलेयर होते हैं। अरे यार क्या हो रहा है। ओके, तो ये जो है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, और इनके पास इस तरह से करके प्रोटीन्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे रेडिसेल के साथ अटैच्ड हैं। आपको देखना है, सही से समझना है इसको। तो ये क्या है, ये प्रोटीन कंसिस्टिंग है, इनमें प्रोटीन इन्वॉल्व है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, जिनके साथ एम्बेडेड है। ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ अटैच्ड है। तो आप ये जो देख पा रहे हैं ना, इस प्रोटीन का नाम मैं इस साइड में लिखूंगा सबको। ये जो प्रोटीन है इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक या ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहते हैं, स्पाइक जिसका जो नंबर है, यानी अब इसको जीपी, इसको कहते हैं GP120 टाइप, ठीक है। लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट है, जिसका ये वाला पार्ट है पेडिसेल, जो यहाँ पे ये इसके पेडिसेल है, ये जो इसका मतलब जो बाहर की तरफ सरफेस पे है, सो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कह रहे हैं, लेकिन जो इसका पेडिसेल है तो इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन पेडिसेल, ग्लाइकोप्रोटीन पेडिसेल। इसका जो टाइप है GP41, तो यानी आउटर, सबसे आउटर जो फॉस्फोलिपिड लेयर है
जो सबसे बाहर की तरफ है उसमें दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एक तो GP120 और दूसरा होता है GP41। क्या होता है? GP120 है, दूसरा होता है GP41। आपको याद रखना है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, उसके अंदर कंसिस्टिंग उन लेयर्स में क्या होता है, कंसिस्टिंग दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इसके एनवेलप तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्ट इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक यहाँ से पूरा का पूरा प्रोटीन का कोट होता है, चारों तरफ होती है इसके अंदर, ये भी प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का नाम भी लिखेंगे, प्रोटीन लेयर है ये, तो आप देख पा रहे होंगे तो ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, यानी ये भी, और एक और इसके ऊपर और है प्रोटीन जो है, इसके एक और अंदर प्रोटीन है, जस्ट इसी तरह का लेयर एक प्रोटीन का और है, ये दोनों प्रोटीन कोट हैं, यानी दो प्रोटीन अंदर के लेयर, अंदर भी लेयर है प्रोटीन के। वायरस कितना कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे होंगे, प्रोटीन का ही चैन है। तो ये वाला भी हम इसकी बात करें या इस इन दोनों लेयर की, अगर इन दोनों लेयर की बात करें तो दैट इज ये प्रोटीन कोट है। क्या है? प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट कहते हैं इनको। और अगर हम इसके नाम की बात करें ये कौन सा प्रोटीन है, तो जो अंदर वाला है, जो इनसाइड है ये वाला, और जो आउटसाइड पे है ये वाला। आपको ध्यान देना है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो जो अंदर वाला है ये प्रोटीन 24 है, प्रोटीन 24, इसको कहते हैं कैस्पिड बोलते हैं। और ये जो बाहर वाला है वो प्रोटीन, ये जस्ट इसके बाहर वाला, अंदर के सबसे बाहर वाला, ये भी प्रोटीन कोट है, तो ये P17 टाइप का होता है, P17। तो ये बाहर वाला जो चैन दिख रहा है आपको, ये P17 प्रोटीन है से बना हुआ है, और जो अंदर वाला है वो P24 प्रोटीन से बना हुआ है, ये कैस्पिड भी कहलाता है। अब क्यों कैस्पिड कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर दो सिंगल RNA स्ट्रैंडेड होते हैं, RNA का स्ट्रैंड होता है। तो पूछा जाएगा कितने स्ट्रैंड होते हैं, तो 2 RNA सिंगल स्ट्रैंडेड फिलामेंट होते हैं, कितने? 2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 होते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है, ये जी 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक, और ये फिलामेंट कहते हैं इनको, फिलामेंट। आपको सब प्लीज अच्छे से समझना है। उसके बाद इसमें कुछ एंजाइम्स भी हैं, इस एंजाइम्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। इसमें P32 भी होते हैं, प्रोटीन 32 इंटरगेज नाम के एंजाइम भी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये वायरस का स्ट्रक्चर है, जो सबसे आउटर है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, फिर उसके अंदर एक और प्रोटीन का लेयर, फिर उसके अंदर एक और प्रोटीन का लेयर, जो थर्ड प्रोटीन, उसको हम कैस्पिड भी कहते हैं, सबके नंबर्स हैं। उसके अंदर इंटरगेज हैं, उसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट भी हैं, इसमें DNA नहीं होते। तो आपको पता होना चाहिए सारे ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये किसका है, HIV वायरस का है स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो जो वायरस होता है, ये वाला जो वायरस है, क्योंकि इसके पास इन्वलप है, इसके इन्वलप होने की वजह से, इसके ऊपर इन्वलप होने की वजह से ये रेट्रोवायरस का पार्ट है। तो अब लिखेंगे वायरस बिलोंग टू रेट्रोवायरस ग्रुप से। अब इन्वेलप कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। पहले क्या होता है, इन्वेलप लिपिड बाइलेयर होते हैं, आप इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड कैसे होते हैं? बाइलेयर से होते हैं। और ये समझना, ये आए कहाँ से, जो लिपिड बाइलेयर है ये कहाँ से है, क्योंकि वो तो DNA डालता है ये सब चीज़ें। तो ये इन्वेलप ऑफ कंसिस्टिंग जो लिपिड बाइलेयर हैं वो आए कहाँ से? फ्रॉम हॉस्ट सेल से। जब वो हॉस्ट में आ रहा था उनको अपने आपस में रैप करके लेके आया, फ्रॉम
हॉर्स सेल से, हम भी इसका स्ट्रक्चर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कैसे एंट्री करता है, तब हम समझ पाएंगे कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि इनवेलप ऑफ कंसिस्टिंग लिपिड बायलेयर फ्रॉम हॉस्ट सेल मेम्ब्रेन से आता है, हॉस्ट सेल मेम्ब्रेन से, और टूट के उसके साथ रैप कर जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बात करें तो ये प्रोजेक्टिंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको देखें सिर्फ एक सिंगल को, ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, दिख रहा है आपको नॉब, पूरा का पूरा नॉब है इस तरह से, और इसका पेडिसेल है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोजेक्टिंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर ओके, प्रोजेक्टिंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक विद, स्पाइक के साथ साथ क्या है बेटा, ये स्पाइक है, स्पाइक के साथ क्या है, स्पाइक विद पेडिसेल, स्पाइड विद पेडिसेल, ये स्पाइक है, ये पेडिसेल है, पेडिसेल formed of virus coded glycoprotein। तो इसका ये मतलब है कि जो ये तो रेट्रोवायरस हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसके बाद से हम बात कर रहे हैं कि जो वायरस होते हैं उनके ऊपर एक इन्वेलप होता है जो लिपिड बायलेयर से बना होता है, वो हॉस्ट सेल के मेम्ब्रेन से आता है, और उसके वो प्रोजेक्शन जो बनाते हैं वो एक स्पाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पेडिसेल बनाते हैं, स्पाइक एंड पेडिसेल, और ये नॉब जो स्पाइक होते हैं वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और जो पेडिसेल होता है लॉन्ग स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। अभी हम इतनी बात करते हैं, अब एक बार हम रिवाइज करते हैं फटाफट कि देखो डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका जो वायरस होता है एचआईवी वायरस होता है, आपको ध्यान रखना ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, अब हम बात करें एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, ये हमेशा हमें लाइफ में मिलता है, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन वायरस अकॉर्डिंग टू द आईसीवीएन इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर से, इनको 1986 में इसका नाम दिया गया था, और ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 यूएसए के अंदर होमोसेक्सुअल की वजह से, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल्स। ओके, तो ये सारी बातें हम नोट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद से नेक्स्ट इसके आगे बता रहे हैं, आप नोट करें इसको।